आज तेजस्वी यादव ने कैसे तंज किया नीतीश कुमार पर सदन के अंदर जब उनका संबोधन हो रहा था। मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे, फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। मुख्यमंत्री जी, आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था। लेकिन केकई को भी पहचानिए, कौन कौन केकई बैठा हुआ है आपके पास। हम लोग विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं। एक जगह खड़े रहते हैं तो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, इधर उधर हम लोग नहीं करते हैं। तो भारत रत्न डील बना लिया, डील करने के लिए हमको वोट मिलेगा और डील कर लो, भारत रत्न दे देंगे, भारत रत्न दे देंगे, डील कर लो। सम्मान नहीं करते आप लोग, डीलिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं। भाजपा के लोग सम्मान नहीं करते, डीलिंग करते हैं। और बिहार विधानसभा के बाहर से लगातार अभिषेक उपाध्याय मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं, अशोक चौधरी भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। अभिषेक, जरा उनसे बात करिए। जी बिल्कुल, अशोक चौधरी जी हमारे साथ हैं और बिल्कुल उनसे हम बात कर रहे हैं। अशोक जी, आपसे मैं लाइव बातचीत कर रहा हूँ। मुझे एक बात ये बताइए कि आपके पास जो तीन आगे आरजेडी कोटे से जो तीन आगे, उनकी जरूरत क्यों पड़ गई, वो ऑपरेशन क्यों किया आप लोगों ने? कोई ऑपरेशन हम लोग क्यों करेंगे, ऑपरेशन व्हाई शुड वी डू द ऑपरेशन। हृदय परिवर्तन हो गया उनका अचानक? और क्या, नीतीश जी का काम करने का तरीका ही ऐसा है कि अच्छे अच्छे लोग चले आते नीतीश जी के साथ, तो इसका मतलब इसमें और भी लोग आएंगे। हाँ, ये और भी आएंगे भविष्य? बिल्कुल, और कांग्रेस को इशारा कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हम किसी पार्टी की तरफ इशारा नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि भविष्य में और भी लोग, जैसे आज तीन आ गए, भविष्य में और 5-7 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। तो ने बहुत तंज की है आज नीतीश कुमार पर, बहुत तंज। ठीक है, करना है, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, दोनों में फर्क है। हमारे नेता काम करके रखते हैं बातों को, लोगों को प्रभावित करते हैं, कुछ लोग बात करके लोगों को प्रभावित करते हैं, हर का अपना अपना तरीका है। फिर जरूरत पड़ेगी तेजस्वी साथ रहेंगे उनके, भविष्य इंडिकेशन उनको भी हम लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी साथ रहेंगे। बड़ा बयान दे रहे हैं आप तो। हाँ बिल्कुल, ऐसी होती है राजनीति में, व्यक्तिगत लड़ाई अपने जगह पर है, कभी उनको परेशानी होगी, उनको हम लोगों का जरूरत होगा तो हम लोग साथ देंगे उनका। बिल्कुल क्यों नहीं देंगे, काम किए हैं साथ में, तो कोई ऐसा थोड़ी है। लेकिन अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, अब हम लोगों का गठबंधन परमानेंट है। अच्छा, परमानेंट है, ठीक है। अशोक चौधरी है, बड़ा बयान दे रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि हम उनको अभी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम भी उनका साथ देंगे, ये बड़ी बात कही है। और कहा है कि हमारा गठबंधन परमानेंट, और ये भी कहा अभी और भी लोग आएंगे। आप बात सुनिए, हर एक बात में जब आप हंस रहे थे तो अशोक चौधरी को भी हंसी छूट गई, वो भी हंसते हुए उस वक्त नजर आ रहे थे। बहरहाल मैं आप लोग के पास आऊं, लेकिन दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। तेजस्वी यादव के पलटवार के बाद नीतीश भी आरजेडी पर बरसे हैं। समाज के हर तबके के लिए काम किया नीतीश ने। नीतीश कुमार ने कहा कि हमेशा के लिए इधर आए हैं, हिंदू मुस्लिम झगड़े का भी जिक्र उन्होंने किया। बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ? और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको उनको हमसे तकलीफ था। और हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे। और आइए फिर से मैं निधि का रुख करूंगा, मेरी एक और सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और तमाम बड़ी खबरें वहां से आप तक पहुंचा रही हैं सुबह से ही। निधि, क्या यह माना जाए कि बिहार का यह सियासी बवंडर अब थम गया या कुछ अभी भी गुंजाइश है, कुछ खेला और भी हो सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण था आज फ्लोर टेस्ट, और फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कैसे कर पाती है जेडीयू और बीजेपी, ये देखना था। और इस वक्त शालिनी मिश्रा हमारे साथ है, मैं चाहूंगी कि एक बार चलते चलते आप बता दें कि बहुमत साबित करना था, विश्वास दिखाना था, आपने विश्वास दिखाया? विश्वास, प्रचंड विश्वास दिखाया, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त थी कि 128 नहीं, 128 से ज़्यादा वोट्स हमें मिलेंगे विश्वास मत के पक्ष में, और वही हुआ। बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरे एनडीए गठबंधन के साथियों को, जो नए साथी हमारे साथ जुड़े उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और ख़ास करके बिहार की जनता को, जो विकास की गति धीमी हुई थी, वो विकास की गति फिर से और तेज हो जाएगी, उसके लिए बिहार जी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।